22 अप्रैल को Realme 3 Pro के साथ आपको Realme का एक और डिवाइस देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है Realme C2 एंड ये जो स्मार्टफोन होने वाला है आपको बहुत ही लो प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा बेटर डिजाइन देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Realme C1। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme C2 के बारे में, बताऊंगा स्मार्टफोन का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड इसका अप्रॉक्सिमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में जो कि बेसिकली होने वाला है 22 अप्रैल। एंड ये जो स्मार्टफोन होने वाला आपको देखने को मिलेगा अंडर 6000 टू लेके 7000 के अंदर जो कि बहुत ही बेटर प्राइस होने वाला है इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। सो हे फॉक्स, दिस इज जॉन एंड आई एम बैक विद माय अदर वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करो Realme C2 के डिजाइन के बारे में, तो डिजाइन जो होने वाला आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा टाइनी लिटिल वाटर डॉप टाइप नॉच, नीचे में जो बेजल चेन होने वाला है बहुत ही कम होने वाला है एंड बैक साइड की बात करो तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत ही लो प्राइस के अंदर लॉन्च होगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो आपको रेगुलर वाइज आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा, कोई भी आपको ग्लास फिनिश या कोई भी आपको मेटल का यूज देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी कमजोर हो सकता है। तो बात करो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो डिस्प्ले की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, इसमें आपको कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर जो IPS LCD पैनल होने वाला है इसके अंदर आपको 16 मिलियन कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1080x2340 पिक्सल। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है एंड रेगुलर वाइज रियलमी के जो डिस्प्ले होते हैं बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है जिसमें आपको कलर रिप्रोडक्शन, कलर सेचुरेशन परफेक्ट लेवल का देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0 एंड कस्टम में आपको देखने को मिलेगा कलर वाइज 6.0 एंड यहाँ पर आपको जो कलर वाइज देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बैटरी बैकअप बेटर देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो कलर वाइज में लैग वगैरह के इशू देखने को मिलता है कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा रियलमी C2 के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो प्रोसेसर की बात करो तो अकॉर्डिंग टू गैजेट 360 इसमें आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर जो कि उतना ज़्यादा बेटर प्रोसेसर तो नहीं है बट बजट सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मस्त प्रोसेसर है जिसके हेल्प से आप किसी भी जो है काम को बहुत ही आराम से कर पाओगे। बट कोई भी आप हाई ग्राफिक्स गेम जैसे कि पबजी हो गया, एस ऑनलाइन हो गया, ऐसा कुछ गेम आराम से आप नहीं खेल पाओगे, यानी कि हाई ग्राफिक्स सेटिंग में आप रन नहीं करा पाओगे बट लो ग्राफिक्स सेटिंग में आप बहुत ही मस्त तरीके से रन करा पाओगे, इसमें कोई भी आपको हीटिंग इशू, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। रैम वेरियंट की बात करो तो इसके जो बेस वेरियंट होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा 2GB रैम का बेस वेरियंट जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा 16GB का इंटरनल स्टोरेज। सेकेंड वेरियंट आपको देखने को मिलेगा 3GB रैम का जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा 32GB इंटरनल स्टोरेज एंड टॉप वेरियंट आपको देखने को मिलेगा 4GB रैम का जिसके साथ आपको देखने को मिलेगा 64GB इंटरनल स्टोरेज। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रियलमी का जो सी सीरीज है इसमें आपको बहुत ही लो प्राइस के अंदर बेटर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करो तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कैमरा क्वालिटी होने वाला है बहुत ही बेटर आएगा, बोके मोड, पोर्ट्रेट मोड बजट सेंट्रिक डिवाइस के हिसाब से बहुत ही बेटर आएगा एंड उसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड, AI पोर्ट्रेट मोड, ओवरऑल सभी कुछ फीचर इनेबल देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा जिसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा, AI पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा एंड 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो कैमरा कॉन्फिगरेशन भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है एंड लास्ट में बैटरी कैपेसिटी की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 4230 mAh के ह्यूज बैटरी जिसके साथ आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग फीचर इनेबल देखने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा 0 to 100% चार्ज करने में। तो अब बात करो इस स्मार्टफोन का प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इसके जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 6000 टू लेके 7000 के अंदर एंड इसके जो लॉन्चिंग डेट होने वाला आपको 22 अप्रैल के अंदर देखने को मिलेगा जो कि Realme 3 Pro के साथ ही लॉन्च होगा। तो यही आज के वीडियो Realme C2 के बारे में, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, हमने चैनल में पहली बार आया तो जाकर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो एंड उससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।